हाय एवरीवन, मेरा नाम है निशा और आप सभी देख रहे हैं निशा स्टाइलिंग ट्रेंड। आज की वीडियो में आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल सा इजी सा मेकअप लुक शेयर करूंगी और जिन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है थिक काजल एंड आईलाइनर के साथ डेली के लिए ड्रेसअप होना, तो ये वाला मेकअप लुक आप डेली वेयर में भी ट्राई कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेकअप की वजह से हमारी स्किन को कोई भी डैमेज ना हो और मेकअप बहुत स्मूथ अप्लाई हो, तो स्किन को मॉइस्चराइज करना बेहद ज़रूरी है। जो भी स्किन पे मॉइस्चराइज़र आपके सूट होता है वो आप पहले अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद मेकअप को अप्लाई करेंगे। इसके बाद क्योंकि हमें बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप को अप्लाई करना है, तो अंडर आइज़ में जितनी डार्कनेस है उसे हाइड करने के लिए मैंने इस बार पहले ही कंसीलर को अप्लाई कर लिया है। तो डैब 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 करके आप अपने फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिंगर से अप्लाई करने पे फिंगर की वॉर्म्थ से आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद आई मेकअप स्टार्टिंग में हम फॉलो कर लेंगे, तो आईज़ में भी मैंने इस तरह से डैब डैब करके ही ब्लेंड किया है कंसीलर को। यहाँ पर मैंने मेबलिन फिट मी कंसीलर यूज़ किया है और अब अपने फेस को प्राइम कर रही हूँ इनसाइड के 3-in-1 प्राइमर के साथ। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद प्राइमर हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो बेस है वो बहुत ही सिल्की सॉफ्ट और सिलिकॉन बेस जैसा बेस बन जाए। इसके बाद सिंपल सी बीबी क्रीम अप्लाई कर ली है मैंने। जो भी शेड और बीबी क्रीम आपके स्किन टेक्सचर और स्किन टोन के अकॉर्डिंग सूट करती है आप वो वाली अपनी बीबी क्रीम अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये डेली वेयर के लिए एक मेकअप लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए बहुत सिंपल है। और इसमें मैंने बीबी क्रीम का यूज़ किया है क्योंकि डेली वेयर में हम फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करते हैं, अदरवाइज़ फेस ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो सिंपल लाइट से जो भी बीबी क्रीम आपको सूट करती हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बस थोड़ी सी हमें आईब्रोज़ को फिल कर लेनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर फिल नहीं करेंगे, सो एक नेचुरल लुक देने के लिए जहाँ पे हमारे गैप है वहाँ पे हम ऐसा से हल्की फुल्की सी शेप बना के आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे। और कभी कभी जब हम आईब्रोज़ फिल करते हैं तो एक ही जगह प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट इकट्ठा ना हो इसीलिए थोड़ा सा कॉम कर लेते हैं आईब्रोज़ को। उसके बाद मॉर्फी जैकलिन हेल का ये आई शेडो पैलेट है, तो इसमें से ये ब्राउन वाली शेड को पिक किया है मैंने, ट्रांजिशन कलर की तरह अप्लाई कर लिया है और ब्लेंड कर लिया है क्रीज एरिया में बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मिनिमम आई शेडोज़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हम डेली वेयर के लिए यूज़ करें ये वाला मेकअप। और सेकेंड जो शेड है मैंने ये ब्रॉन्जी गोल्डन शेड अप्लाई की है, सो इसे आप नाइट टाइम में और डे टाइम दोनों टाइम में ये वाली शेड पे अप्लाई कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप कितना सिंपल सा आई मेकअप इसमें फॉलो किया है मैंने, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की रेगुलर मेकअप में ज़रूरत नहीं है। और बस दोनों आई शेडोज़ को हमने ब्लेंड कर लिया है ताकि हमारी क्रीज लाइन्स नज़र ना आए। इसके बाद फेस को सेट करना है हमें, जो भी हमने बीबी क्रीम अप्लाई की है उसको। यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया है, जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर आपके पास हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आईलाइनर को आज मैंने स्किप करके मैंने आईलाइनर की जगह काजल पेंसिल को ही यूज़ किया है, तो ये नायका की काजल पेंसिल है और इसी से मैंने अपना आईलाइनर भी ड्रॉ कर लिया है और साथ साथ मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा विंग निकाल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पसंद है कि विंग ना निकालें, तो जिनको सिंपल आईलाइनर और थिक काजल के साथ मेकअप पसंद है तो ये वीडियो उनके लिए है। और आप सब भी ये वाला मेकअप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बेहद सिंपल है, इसमें कोई भी टेक्निक्स इतनी ज़्यादा हमने फॉलो नहीं की है। तो आप फ्री हैंड होके भी इसको अप्लाई करेंगे तो भी आप इजीली इस वाले मेकअप लुक को अचीव कर सकते हैं। सो लोअर लैश लाइन पे भी यहाँ पे मैंने थिक काजल को अप्लाई कर लिया है। अगर आपको इतना थिक काजल पसंद नहीं है तो आप सिंपल से काजल बिल्कुल वाटर लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा स्मोकी लुक पसंद है तो आप इसको थोड़ा स्मज आउट कर सकते हैं, अगर आपको स्मोकी लुक नहीं पसंद है तो आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्मोकी लुक भी थोड़ा सा बना के दिखाया है और अब अपने नेचुरल लैशेस को कर्ल कर लिया है। और यहाँ पे मैंने मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ किया है, जो भी मस्कारा आपके पास हो आप वो मस्कारा यूज़ कर सकते हैं।
सो आपने अपर एंड लोअर लैशेज में इसको अप्लाई किया है। और ये डे टाइम का मेकअप लुक है, रेगुलर मेकअप लुक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी फॉल्सेस को अप्लाई नहीं किया है, पर अपने नेचुरल आई लैशेज को ही मैंने कर्ल किया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं फेस को कॉन्ट्रोल करना तो इस तरह से कॉन्ट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपको फेस पे कॉन्ट्रोलिंग डेली के मेकअप में नहीं पसंद है तो आप इस वाले स्टेप को टोटली स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके चीक्स बहुत चबी हैं, आपके जॉ लाइन में एक्स्ट्रा फैट है, तो उसको थोड़ा सा कट करने के लिए आप कॉन्ट्रोलिंग कर सकते हैं बहुत ही लाइट। और यहाँ पे हाइलाइटर लिया है मैंने, हाइलाइटर को भी मैंने अपने ब्राउ बोन्स पे अप्लाई किया है, चीक्स पे, ब्रिज ऑफ नोज पे एंड चिन पे, क्योंकि ये रेगुलर मेकअप है तो इसमें मैंने सभी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत ही लाइट और कम इस्तेमाल की है। और अब यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का ब्लश अप्लाई कर लिया है, इसमें मेरी शेड है पर्लिस एंड पिंक, बट ये थोड़ा कॉरल शेड जैसा लगता है। और चीक्स पे मैंने हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया है बहुत ही हल्के हाथ से, आप चाहे तो यहाँ पे फैन ब्रश का या फिर किसी भी छोटे से ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने NYB का लिप क्रेयॉन लिया है, और ये वाला लिप क्रेयॉन बहुत न्यूड सा शेड है, इसमें आप कोई भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई रेगुलर पिंक शेड अप्लाई कर सकते हैं जो कि लाइट कलर में हो, या फिर आप रेड फैमिली के लवर हैं तो यहाँ पे रेड शेड भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आई प्रेफर कि जेन्यून एंड डिसेंट सिंपल सा मेकअप लुक लगे, तो यहाँ पर मैंने न्यूड शेड का अप्लाई किया है। और बस क्योंकि पूरे दिन हमें मेकअप को इसी तरह से सेट रखना है तो मेकअप को लॉक करना बेहद ज़रूरी है, तो कोई भी मेकअप फिक्सर जो भी आपके पास है आप उससे अपने मेकअप को सेट कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट 5 to 6 hours तक आपके फेस पे ये मेकअप रहे। सो बस ये है सिंपल सा आज का मेकअप लुक। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, बिगनर्स के लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करें। और ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।